हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो गई है सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है घर की सफाई के साथ, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है और सुबह सुबह ही हो गई है बारिश। तो पूरे घर में हमने पहले पोंछा लगा दिया, उसके बाद आंगन को साफ कर दिया है और फिर आ गए हैं इस वाले आंगन में। और वैसे तो इस आंगन में ज़्यादा कूड़ा नहीं होता है, लेकिन फूल का पेड़ है तो फूल पत्तियाँ सब गिरा करती हैं, तो वही सब हो जाता है। और बारिश में बहुत ही ख़राब लगता है, किचकिच मची रहती है पूरे आंगन में। तो दिन भर में कितनी भी बार झाड़ू लगाओ, लेकिन ये कूड़ा जो है कम नहीं होता है पत्तियों का। और बगल में है नीम का पेड़, तो उसी से इस समय ना नीम के जो बीज होते हैं, जिनको हमारे यहाँ गल्ले कहे जाते हैं, वो गिरते हैं। तो इनमें इतनी ज़्यादा मक्खियाँ बैठती हैं कि देखने में ही ख़राब लगता है। तो यहाँ पर झाड़ू लगा दी है, उसके बाद कूड़ा भर कर रख देंगे। और बारिश हो चुकी है एक बार और मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, रोज बारिश हो रही है। ऐसा कोई भी दिन नहीं जा रहा है जिस दिन बारिश ना होती हो। और उसके बाद यहाँ पर हम नहाकर आ चुके हैं और बिटिया रानी अभी भी हमारी सो रही हैं, क्योंकि कल देर रात तक जगी थी इसलिए सुबह लेट उठी हैं। और यहाँ पर हम रख रहे हैं चाय बनने के लिए। जब तक चाय में उबाल आएगी तब तक चलते हैं छत पर कुछ लेने के लिए। और छत पर हम जा रहे हैं जराकुस की पत्तियाँ तोड़ने के लिए, क्योंकि हम लोगों के यहाँ चाय में जराकुस की पत्तियाँ डाली जाती हैं, जिससे कि चाय बहुत ही अच्छी बनती है। और कभी कभी नहीं भी डाली जाती है, जब अदरक होती है तो नहीं डाली जाती है, लेकिन इस समय अदरक है नहीं तो जराकुस की पत्तियाँ डाल देते हैं, तो स्वाद और भी बढ़ जाता है। और ये देखिए चारों तरफ बस पानी ही पानी दिख रहा है, 5 मिनट के लिए भी पानी बंद नहीं होता है, दिन भर पानी बरसता रहता है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। और उसके बाद हम डाल देते हैं जराकुस की पत्तियाँ, हमने धो ली थी उसके बाद डाल दी हैं। तो जब खोल जाएगा तब इसमें दूध डाल देंगे। और सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को पसंद होती है, किसी को नहीं पसंद होती है। और हो सकता है आप लोगों के यहाँ इन पत्तियों को कुछ और कहा जाता हो, क्योंकि अलग अलग नाम होते हैं, एक ही चीज़ के अलग अलग नाम होते हैं हर जगह पर। तो हमारे यहाँ तो जराकुस की पत्तियाँ ही बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारी चाय बन चुकी है और उधर हमने दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। दूध भी गर्म हो चुका है, चाय भी बन चुकी है। तो आप लोग भी आइए और बारिश में गर्मा गर्म चाय का मजा लीजिए आकर। और उसके बाद हम बनाने जा रहे हैं नमकीन दलिया। तो हमने लिया है तेल, तेल में डाल दिया है जीरा, कटी हुई हरी मिर्च, उसके बाद इसमें डाल दिया है प्याज और उसके बाद हमने डाल दी है थोड़ी सी हींग। और हमारी एक बहन ने रिक्वेस्ट किया था कि दीदी आप नमकीन दलिया बनाकर दिखाइए, क्योंकि हमारी एक बेटी है उसके लिए हम बनाना चाहते हैं और उनकी बेटी अभी 1.5 साल की है, तो ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट दलिया बनती है अगर ऐसे बनाए तो। तो जब प्याज हमारा थोड़ा सा पकने लगा था तब हमने डाल दिया है 1 टमाटर और उसके बाद इसमें हमने डाल दिया है नमक। तो सारी चीजों को अच्छे से पकाएंगे। जब हमारी सारी चीजें अच्छे से पक जाएंगी तब इसमें हम डाल देंगे भिगोई हुई दलिया। और दलिया को हमने करीब 10 मिनट के लिए भिगोने के लिए रख दिया था। जब अच्छे से भीग गई थी तब इसको साफ करके इसमें मिला देते हैं और अच्छे से चलाएंगे। तो थोड़ी देर चलाने के बाद इसमें हम डाल देंगे पानी। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ही पानी डालना है ताकि हमारी जो दलिया है अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ पर पानी डाल दिया है, उसके बाद इसको ढक देंगे और इस तरीके दलिया बनाएंगे ना तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। वैसे जो दूध वाली दलिया होती है वो हमारी चारू को बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि दूध की कोई भी चीज़ वो नहीं खाती हैं। तो हमने जब से ये वाली दलिया बनाना चालू किया तब से थोड़ा बहुत खाने लगी हैं, उनको ये दलिया जो है पसंद आती है, तो इसीलिए बना देते हैं। और यहाँ पर ये देखिए खिली खिली सी हमारी दलिया जो है बनकर हो गई है तैयार।
और अगर आप केवल बच्चों के लिए ही बना रही हैं तो आप मिर्च नहीं भी डाल सकती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी नमकीन दलिया बनकर हो गई है तैयार और बहुत ज्यादा पौष्टिक होती है। तो आशा है हमारी बहन को ये दलिया रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप भी बनाकर देखिएगा, आपकी बेटी को जरूर पसंद आएगी और आप सभी लोग बनाकर खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे ही खाते हैं, हमारे घर में तो सबको ये पसंद है। तो उसके बाद हमने खाना भी बना के रख दिया था और आ गए हैं यहाँ कपड़े धोने के लिए। और सुबह हमने एक बार कपड़े धो के डाल दिए हैं जो नहाए थे, और बिटिया के भी इकट्ठा कर लिए थे वो धो के डाल दिए हैं। ये तो बेडशीट है, तकिया के कवर है, और बिटिया के दिन भर के जो कपड़े हो जाते हैं वो हैं, तो सारे धुल के डाल दिए हैं। और बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि आज मौसम साफ होगा, आज धूप निकलेगी, लेकिन मौसम है कि साफ होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और मौसम कोई भी हो, बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, लेकिन हम लोगों के काम कभी भी रुकने वाले नहीं है, काम तो लगातार ही चलते रहेंगे। तो यहाँ पर हम आ गए हैं कपड़े फैलाने के लिए। फैला तो दे रहे हैं लेकिन बारिश कभी भी हो सकती है, और देखिए मौसम कहीं से भी नहीं लग रहा है कि मौसम साफ होगा। और इनकी यहाँ पर चल रही है पूजा, आरती गाई जा रही है, तो इनका कोई भी समय नहीं होता पूजा करने का, जब मन में आया तो पूजा करने लगती हैं। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं छत पर, छत की हालत देखने के लिए। और ये देखिए कितनी ही खराब हालत हो चुकी है छत पर, क्योंकि करीब 8 दिन से जो है छत पर कोई भी नहीं आ पाता है देखने के लिए, और इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि कोई भी काम नहीं हो पा रहे हैं, सारे काम रुके हुए पड़े हैं हम लोगों के। और छप्पर तो काफी दिन पहले ही बन चुका था लेकिन उसको उठवाने का काम ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हमेशा भीग ही जाता था वो। तो आज सोचा गया है कैसे भी करके ये काम करवा दिया जाए, नहीं तो रात में बारिश हो जाएगी और फिर ये काम हमारा रुक जाएगा, और इसके ऊपर जो है जो काली पन्नी आती है वो डाली जाएगी, नहीं तो जो है पानी नीचे जाएगा। और ये अभी तो फिलहाल इसी से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कई दोस्त कहते हैं कि आप 3 रखवा लीजिए, तो कोई भी व्यवस्था अभी नहीं बन पा रही है किसी कारण। तो जब समय आएगा तो वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर यही लोग जुटे पड़े हैं, तो हम भी आ गए हैं, इसके ऊपर जो है रस्सी बांधेंगे ताकि जो ये पन्नी है ये उड़े ना, जब हवा चलती है तो ये उड़ जाएगी। और जब कपड़े धोए थे ना उसके बाद हमारी साड़ी वो वाली भीग गई थी, तो हमको साड़ी जो है बदलनी पड़ी थी। और पिछले कुछ दिनों से हमारे वीडियो नहीं आ पा रहे थे, हमारे दोस्त कमेंट भी कर रहे थे कि दीदी आप वीडियो क्यों नहीं डाल रही हो। तो कभी ना कभी सभी के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां लगी रहती हैं, तो हमारे जीवन में भी इस समय परेशानियों ने जो है घेर कर रखा है हम लोगों को। तो जब ऐसी परेशानियां आती हैं तो दिल दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो वीडियो कहाँ से बनाए। और बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि हम कैमरे के सामने आए या कैमरे के सामने बोले। तो कुछ चीजें हमारी होती हैं जो पर्सनल होती हैं, जो हम सोशल मीडिया पर नहीं बता सकते या अपनी परेशानियां नहीं शेयर कर सकते हैं। तो अगर समय आएगा तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे, लेकिन आप लोग दुआ कीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाए और आप लोगों को अब डेली व्लॉग देखने को मिलेंगे। पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों तक डेली व्लॉग पहुंचाने की, और आशा है हमारे प्यारे प्यारे जो दोस्त हैं अपना प्यार और अपना सपोर्ट इस समय भी हमारे साथ बना के रखेंगे। तो ये देखिए छप्पर जो है हमारा बन चुका है, जैसा भी बना है घर पे ही बनाया गया है, कोई बाहर का बनाने वाला नहीं आया था, तो इन लोगों ने ही मिलकर बनाया है, तो ये इसको रखा जाएगा। और जब ये छप्पर नहीं रखा हुआ था तब ना जब बारिश होती थी तो पूरी बौछारें कमरे के अंदर चली जाती थी, तो कमरे में सिर्फ पानी ही पानी दिखता था, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, कितना भी साफ करो लेकिन जब जब बारिश होती थी पूरा पानी अंदर चला जाता था खिड़की से, और जो दरवाजे के ऊपर जाल बनी है ना उससे भी चला जाता था। तो अभी तो हमारा पूरा कमरा आप लोगों को दिखाने के लायक ही नहीं है, अभी तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो ये देखिए छप्पर रख चुका है, तो उसके बाद जो डंडे काटे गए हैं वो लगाए जाएंगे, और ये लोग रख रहे हैं, आराम से देख रहे हैं कितनी ढलान बन पाएगी, क्योंकि आंधी आती है तो फिर डर लगा रहता है कि कहीं उड़ ना जाए, सबसे ज़्यादा खतरा तो इसी बात का रहता है। तो अभी डंडे काटे जाएंगे और देखे जाएंगे, जो छोटे बड़े होंगे फिर उनको काट के पूरा सेट किया जाएगा।
तो फिलहाल छप्पर तो रख चुका है, लेकिन अभी जो छोटे बड़े डंडे हैं उनको सेट किया जा रहा है, और इन डंडों को सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, नीचे सपोर्ट होगा तभी ये टिक पाएंगे। तो एक बोरी में मिट्टी भरी गई है और उसी मिट्टी में ये डंडे जो है रखे जाएंगे, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाएगा। अभी तो फिलहाल यही व्यवस्था बन पाई है, आगे फिर देखा जाएगा। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।